एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। स्वागतम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स एंड रैम के बारे में। एंड इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जब ये पहली बार एकदम शुरू में आया था, जब एपिसोड वन आया था, इसके बारे में बातचीत किया। इन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूंगा वो वाली वीडियो देख लेना। इस एनिमे के एपिसोड वन आने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई एपिसोड टू को पाएगा। एंड फॉर सम रीजन ये एनिमे का जो एपिसोड टू है ये डिले हो गया। एंड एपिसोड टू आया जनवरी के अंदर कुछ दिन पहले। एंड नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाला है परसों, हेड एपिसोड। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस एनिमे कि चलो ठीक है, चलता है। जिन लोगों को अच्छे एनिमे है, रैम एनिमे पसंद है, वो एकदम बोलेंगे क्या ही एनिमे। बट मैं उसका मांगा रीड करने गया एंड इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मिस्टेक क्यों बोल रहा हूँ मैं? दिस एनिमे शिट ब्रो। हाँ भाई, ये मैं ही बोल रहा हूँ। आई नो तुम लोग ये एनिमे देखोगे, ऑब्वियसली किस लिए देखोगे मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे अनसेंसर्ड सीन्स है एंड बहुत चपा चप कपा कप है एंड बहुत बढ़िया इसका एनिमेशन है एंड लड़कियां और क्या ही बोलो, सब बढ़िया बढ़िया है। बट स्टोरी लाइन ब्रो, स्टोरी में हम लोगों को क्या देखने को मिला, इसके अंदर एक वायरस आता है। वायरस आने के बाद 99.9% जितने लॉन्डे थे सब एकदम से चले गए। ओनली 5 लॉन्डे बाकी है और 5 लड़कों के लिए वहां पर है 5 मिलियन लड़कियां, तो उनको बुम बाम करके बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। एंड जो लड़कियां हैं दे गेट सैटिस्फाइड, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो स्टोरी लाइन बेसिकली यही है। इफ आई वेयर द मेन कैरेक्टर ऑब्वियसली आई वुड बी हैप्पी कि भाई चलो भाई फाइनली टाइम मिल गया अपने जो वर्जिनिटी है वो खोने का, कुछ टाइम इंजॉय करने का। तो हम सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, सच्ची बताना कि ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा करेगा। बट The main character is fucking loser man. MC एक नंबर का MC निकला भाई। I'm sorry अगर बुरा लगे तो मैं सब दिल से बोल रहा हूँ। मांगा पढ़ते वक्त मेरा दिमाग एकदम से फट गया भाई। ये MC उसका नाम है मिजुआरा रे। तो एंड भाई उसका काम क्या है, मेड वेट करना लड़कियों के साथ एंड ऑल। बट बचपन में उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी एंड वो उसको प्यार करता था बहुत ही ज्यादा। एंड इतना लॉयल बंदा है 5 साल बाद, पूरा वर्ल्ड चेंज होने के बाद, सारे लॉन्डे जाने के बाद, ओनली 5 लॉन्डे बाकी है वहां पर, 5 मिलियन लड़की है, बट स्टिल उसको वही लड़की के साथ चपाचप करना है भाई। वो बोल रहा मैं स्टार्ट करूंगा उससे करके करूंगा। भाई ये काय का लॉजिक है? नहीं, ये काय का लॉजिक है। जब मैंने ये सुना ना मेरा दिमाग फट गया। उसके बाद ये देखा, मैंने सोचा कि चलो यार अभी ये बोल रहा आगे जाकर और भी सुंदर सुंदर लड़की आएगी यार, लौंडा पिघल जाएगा एंड वी विल सी सम हैप्पी, यू नो, हैप्पी एंडिंग। बट नहीं भाई, हमको देखने को नहीं मिला क्योंकि एमसी इज अ फकिंग एमसी ब्रो, मदरबोर्ड है भाई। हर एक लड़की उसके सामने आती है, आने के बाद स्टार्ट करती है सब कुछ, बट गाइस नो, मैं नहीं कर सकता, मैंने प्रॉमिस किया है, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, आई कांट डिसीव हर, नो, आई हैव इमोशन फीलिंग्स फॉर हर। अबे क्या है तू भाई भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। आफ्टर दैट वी गॉट टू सी अकाने लौंडा वापस शावर लेने जाता है एंड सडनली बाथरूम के अंदर वो निकलती है एंड लिटरली शी ट्राइड टू रेप द गाय ब्रो। आई वॉज लाइक क्या है भाई, उल्टा चल रहा है, लौंडा जहां पर डोमिनेंट करेगा वहां पर अकाने डोमिनेंट कर रही है। ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर में आगे पढ़ता गया एंड वो ही सेम चीज रिपीट होते गया कि लौंडा रिफ्यूज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है। लौंडे को बस वर्जिन रहना है फॉर अ गर्ल चाइल्डहुड फ्रेंड। इतना लॉयल लौंडा भाई सबको मिले, सारे लड़कियों को मिले, जो पापा की परिया है उनको मिले भाई। इतना लॉयल कोई नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, मिलेगा ही नहीं। देयर इज सो मेनी फकिंग थिक गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे रियली वांना मेट विथ यू एंड तू क्या कर रहा है भाई? हाँ कंट्रोल कर दल, हाँ यार कंट्रोल कर गुस्से को। मुझे समझ भी ना जो मिजुहारा रहते हो, इसको एमसी क्यों दिया गया? जो नंबर वन जो बंदा है हमने एपिसोड टू में देखा, उसको एमसी देना चाहिए था यार, वो ये जॉब अच्छे से कर रहा है। एंड वहां पर एमसी वही है सदमा आशिक, वहां पर एकदम बेख्याली आशिक बन के, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे एमसी का खड़ा नहीं होता है, वो बाकी सारे लड़कियों से दूर रहता है, उसको एक ही लड़की चाहिए भाई। जब हम लोगों ने एपिसोड 1 के अंदर मीरा को देखा तब हम लोगों को पता चल गया था ऑलरेडी कि ये एलिजा है, बट 11 चैप्टर के अंदर हम लोगों को कुछ और ही पता चलता है। अब इस एनिमे के अंदर स्पॉइलर कुछ नहीं, आई नो तुम लोग किस लिए देख रहे हो ये। ओके, मीरा इज अ फकिंग क्लोन एंड अ वायरस जो है एमके वायरस, इट वाज अ मैनमेड वायरस, सब कुछ समझ में आ गया। एंड वायरस बनाने के पीछे कितना डंब रीजन है भाई, वुमेन ओनली सोसाइटी करने के लिए सारे मैन को इरेडिकेट कर दिया यूएन ने, यूनाइटेड वुमेन, व्हाट द फक इज द स्टोरी लाइन भाई? मतलब कोई मुझे समझाओ भाई। कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला ना भाई, घंटा भाई सबको साइड में रखते हैं। गुस्सा तो मुझे सबसे ज्यादा तब आया कि जब एमसी ने बोला
जब एमसी ने बोला वो वायरस के लिए एमके वायरस के लिए कुछ बनाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के पीछे इतने लोग काम कर रहे हैं और तू यहाँ पर चपाचप करने के लिए आया है, अब तू यहाँ पर टेक्नोलॉजी के पीछे काम करने लगेगा, व्हाट द। मुझे एमसी के पूरे स्टोरी से अच्छा किसका स्टोरी अच्छा लगा, वो चश्मे वाला एक बंदा है, उसका नाम मैं भूल गया, किसी ने मांगा पड़ा है तो प्लीज उसका नाम बता दो। उसका स्टोरी मतलब हजार गुना बेटर था। एमसी का कुछ था ही नहीं भाई, ही इज अ फकिंग लूजर ब्रो, उसको साइड में रख देता है। वो चश्मा पहनने वाला बंदा है वो मुझे मस्त लगा, उसका जो स्टोरी स्टोरी है वो जो भी है, वो नंबर थ्री है ना, आई गेस वो नंबर थ्री है, उसका स्टोरी मुझे बढ़िया लगा, बहुत सही था। एंड नंबर वन ने भी बहुत बढ़िया कांड किया है, चलो ठीक है, बट नंबर थ्री वॉज द बेस्ट गाय। बट चलो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, पॉन देखते वक्त भी कोई स्टोरी नहीं ढूंढता है, तो इस एनिमे के अंदर भी सेम है भाई, यहाँ पर कोई यहाँ पर स्टोरी उतना नहीं मिलेगा, चलो मान लिया नहीं मिलेगा, बट मेन कैरेक्टर अगर ऐसा है तो भाई गुस्सा आता है दिल के अंदर, तो आई एम फुल्ली डिसअपॉइंटेड ब्रो। आगे के कुछ चैप्टर्स मेरे से और पढ़ा नहीं गया भाई, मैंने एकदम से अपने आप को रोक दिया था, टाइम वेस्ट मत कर, ऐसा एमसी हो तो भाई एनिमे देखने का मजा नहीं है, तुम लोगों को आगे पता चलेगा, मैंने तो मांगा पड़ा है आई नो, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो कंटिन्यू करके देखो, आगे देखते जाओ वीकली के एपिसोड, जाके बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है तुम लोगों को, वट एवर। ऑल्दो यू गाइस विल एंजॉय दोस थिंग्स यू नो, एनिमेशन में कुछ ज्यादा बढ़िया बढ़िया सीन्स है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा आई नो राइट। ओके सबको साइड में रखते हैं, दैट वाज अ क्विक वीडियो ऑन वर्ल्ड्स एंड हियर आई एम, एंड मेरे दिल की बातें बताए एकदम अंदर से ही, ठीक है अगर किसी को बुरा लगे तो भाई आई एम नॉट सॉरी, मैं सॉरी नहीं बोल रहा, एकदम दिल की बात बोल दिया। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाओ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। एंड अगर बातचीत करना है एनिमे रिलेटेड पोस्ट वगैरह देखना तो यार इंस्टाग्राम पे आओ यार, आते क्यों नहीं, फटाक्स से डैक लगा जो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में,